अस्सलाम वालेकुम। तो सर्दी महसूस होनी शुरू हो गई है, तो इसलिए फिश को ना बनाया, इसको पहले सिरका लगाया, फिर इसमें लहसुन लगाया, अदरक का पेस्ट लगाया, अजवाइन लगाई है थोड़ी सी, और इसको देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। सफ़ेद बिल्कुल वाइट फिश हो गई है, ये दरिया की फिश है। दरिया की फिश का अपना एक टेस्ट होता है, तो मैंने कहा मैं आप भी बनाना जानते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी आपको रेसिपी दे दूं। तो ये पाउडर है, इसमें थोड़ी मसाले डाले हैं बेसन के साथ, और अब देखें मेरा तरीकेकार। अभी इसको मैं कुछ 10-15 मिनट के लिए रख दूंगा। ये देखें इसमें लहसुन अदरक नज़र आ रहा है, ठीक है, अजवाइन भी नज़र आ रही है। ये देखिए ये इसका तरीका ये होता है, इससे ये फ़ायदा होता है ना, मछली का मज़ीद पानी खुश्क हो जाएगा और ये इसकी तुरी बन जाएगी। ये देखिए ये मछली बहुत तरीकों से, बहुत ही इसके स्टाइल हैं, हर घर में, हर जगह, हर मुल्क में लहदा लहदा इसको तरीकों से खाया जाता है। कोई बारबेक्यू, तलाई में, सरसों ऑयल में, घी में तलते हैं कोई, तो ये इसी तरह हर एक टेस्ट लहदा है, हर एक मुल्क का टेस्ट लहदा है, हर एक घर का टेस्ट लहदा। तो ट्राई कीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि इसमें ना लहसुन अदरक का पेस्ट है, सिरका है, से धोया है, नमक 2-3 घंटे पहले लगा के इसको रखा है, इसका सारा पानी जो है ना वो साफ गिरा के इसको अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के तो ये किया है। तो ये अब इसको मैं 10-15 मिनट रखूँगा ऐसे, फिर इसकी तलाई करके तो आप यूज़ करें, खा सकते हैं। वालेकुम, फिश तैयार हो गई है, ये देखें जरा जबरदस्त। अब मैं खाने लगा हूँ। फिश तैयार हो गई है तलाई के बाद, ये देखें ना, अब ये देखें इसके तुरी कैसे बन रही है, देखें जबरदस्त तुरी बन रही है, ये देखें मज़ेदार, धुआं निकल रहा है इसमें, ये मज़ेदार बन जाएगी। अगर आपको फास्ट मछली तैयार करनी हो 3-4 घंटे में, तो फिर फौरी आपको लेमन या सिरका लगाना पड़ेगा। अगर लेट करनी है तो फिर आपकी मर्जी। वो तो देखा करें, रोजाना आपको नई से नई रेसिपी मिलेगी, और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं अब मेरी वीडियो आपको रोज़ाना मिले। मेरी कोशिश है कि आपको रोज़ाना वीडियो मिले खाने की।